एसएससी सीजीएल, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप सरकारी नौकरी का ख्वाब पूरा कर सकते हैं, आप एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, प्लस अपनी फैमिली का एक स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर किया है। प्लस पॉइंट ये है कि उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, विशाल सिंह इनका नाम है। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं, क्या क्या उन्हें हर्डल्स आए हैं, कैसे उनका ये सपना पूरा हुआ है। और विशाल सिंह आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए हैं। विशाल, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान में। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशाल की जर्नी के बारे में। तो विशाल, आपकी अगर जर्नी के बारे में बात करें तो कैसी रही आपकी जर्नी? पर्टिकुलरली अगर एसएससी सीजीएल के बारे में बात करूं मैम, तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, अगस्त में टू बी प्रिसाइज। और मैंने अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ सीजीएल 2019, तो सीजीएल 17 दिया था उसमें नहीं हो पाया था, सीजीएल 2018 दिया था उसमें नहीं हो पाया था, और फिर ये थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो जो तकरीबन, और इसमें क्या होता है कि हर साल ही एग्ज़ाम नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी डिले होता है इसका एग्ज़ाम, तो लगभग 5 साल में 3 बार हुआ इसका एग्ज़ाम, जबकि अमूमन कोई एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार होता है। तो स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी मुश्किल रहा, काफ़ी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हुआ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। लाखों लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और उन सब की ये कहानी है, इस सारी फीलिंग से वो सब कोई जूझते हैं। तो आई वॉज नो एक्सेप्शन, मैं भी था, बट ये अच्छी बात हुई कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ओवरऑल जर्नी अच्छी रही, लेकिन हाँ स्ट्रगल रहा, लेकिन वो उसने एक स्पाइस अप कर दिया पूरे जर्नी को, बहुत मज़ा भी आया। तो विशाल, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप शुरू से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, या शुरू से आप, मतलब आपका ये था कि नहीं बस सरकारी नौकरी पाना है, और मतलब शुरू से आप क्या बनना चाहते थे? मतलब एक होता है ना कि बचपन में इंसान कुछ सोचता है तो जी, उस तरीके से नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बिहार से आता हूँ, और बिहार में पटना, बिहार कैपिटल है, पटना से भी तकरीबन 150 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है, बहुत ही छोटा सा। तो वहाँ पे मैं शुरू से रहा, 10th तक तो मैं कंप्लीट वहीं पर रहा। तो जो नहीं होता है वो एक कुआं में मेंढक होता है, उसको उतना ही दिखता है जितना कि आसमान दिखता है, उसको उतना ही दुनिया लगता है। तो उस टाइम कुछ नहीं सोचा था कि कुछ बनना है इस टाइप का। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आपने बात की सरकारी नौकरी करने के बाद की, तो किसी के साथ किसी सरकारी दफ्तर में जाने का मौका मुझे मिला बचपन में। तो जब वहाँ की, स्पेशली बिहार में जब मैंने हालत देखी वहाँ के ऑफिसर्स की, कि बाप रे क्या हालत है यहाँ के ऑफिस की, यहाँ तो मैं कभी नहीं काम कर पाऊँगा, मतलब कि मेरे लिए एक तरह से नाइटमेयर था सरकारी जॉब करना उस वक्त पे, क्योंकि जानकारी नहीं थी या कुछ भी। एक्चुअली 10th के बाद मुझे क्लियर हो गया मुझे IIT में जाना था। IIT मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पैशन था उसका, कि IIT में ही जाना है, मतलब बिल्कुल सपना देख लिया था इसका। लेकिन इस सपने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमेशा से मैं अकेले ही रहा हूँ। एक होता है ना कि कई सारे आपके कंपेनियंस होते हैं, या फिर पीयर ग्रुप होते हैं, या बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, तो वैसा मौका मिला नहीं। तो कोई आइडिया नहीं था इसका। तो IIT में कैटास्ट्रॉफिकली फेल हुआ, 2 बार दिया, 2 बार फेल हुआ। अब तो मेरा ये पैशन था IIT में जाना, और सोचिए कि आपका अगर पैशन आपको फॉलो करने का ही मौका मिला, और तब भी अगर आप उसमें फेल हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल चला गया नीचे। और उसके कुछ साल बाद मुझे SSC CGL के बारे में पता चला, और तब सरकारी नौकरी में क्या क्या चीज़ें होती है एक्चुअल में, तब मुझे जानने का मौका मिला। नहीं तो मेरे मन में वही इंप्रेशन था शुरुआत से, लेकिन एक बार जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाने का। ये मेरे लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रेजुएट में हो चुका था, और बिहार में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो अपार्ट फ्रॉम BTech या BCA या कोई वोकेशन, उस तो आप कहीं भी जॉब सीख नहीं कर सकते हो, चाहे आपने BSc किया हो, BA किया हो, आर्ट कुछ भी, कॉमर्स वगैरह किया हो, तो बस आपको ग्रेजुएट करके बैठ जाना होता है। आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको प्रिपेयर करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बस ये मेरे लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन था, और तो शुरू किया मैंने प्रिपेयर करना, और फाइनली टाइम लगा, 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। आपको नहीं लगता कि 3-4 साल मतलब बहुत एक लंबा टाइम है किसी एग्जाम को देने के लिए? तो कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है, बस अब मैं क्विट कर दे रहा हूँ। बिल्कुल, एक्चुअली 3-4 साल, एक्चुअली 5 साल है ये टाइम, तो बिल्कुल बहुत लंबा टाइम है। और मतलब मैं घर में हो, या फ्रेंड्स हो, या मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ, तो उस पर भी लोग कमेंट करते थे कि क्यों तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे, तुमसे होने वाला है नहीं, कुछ और कर लो। एक तो
डिले भी काफी होता है प्रोसेस, प्लस तुम हेट कमेंट्स, हाँ हेट कमेंट्स भी आते थे कि तुमसे हो नहीं रहा है प्लस, तो दोनों चीज था कि एक तो टाइम भी काफी ज्यादा लगता है इसमें और प्लस तुम्हारा हो भी नहीं रहा है, तो क्यों नहीं स्विच कर लेते, बैंक की तरफ चले जाओ या फिर कुछ प्राइवेट नौकरी कर लो, कॉल सेंटर में जॉब कर लो इस टाइप की। तो क्या आपने बीच में कोई इसके अलावा भी कोई एग्जाम दिया था? नहीं मैंने, क्यों यही था, यही बात मुझे लगता है ना कि ऑप्शन रख, सबको बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, और बिल्कुल सही है, अपने सेंसिबिलिटी के हिसाब से सजेशन देते हैं लोग, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऑप्शंस लेके चलते हो ना तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वहाँ तक पहुँचने का चांस आपका कम हो जाता है। तो मैंने इन पिछले 5 साल में मैंने CGL के अलावा सिर्फ एक फॉर्म भरा था रेलवे का, वो मैं किसी के बहकावे में मैंने भर दिया कि यार बहुत अच्छी वैकेंसी है, जॉब मिल सकती है, मैं एक बार फेल हो चुका था CGL में तब तक, तो उसे कहने पे मैंने फॉर्म भर दिया, और हालांकि अभी मेरा उसका भी रिजल्ट हो गया है और फिर उसका फाइनल एग्ज़ाम था उसका, लेकिन उसको मैंने अब स्किप कर दिया क्योंकि इसमें मेरा हो गया तो जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो अल्टीमेट मुझे CGL ही करना था, CGL के अलावा मैंने और कोई एग्ज़ाम नहीं सोचा था, ना ही मैंने किसी और का फॉर्म भरा था सीरियसली। आपका रिजल्ट भी काफ़ी डिले हुआ है जी, तो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी तो उसमें आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे थे, तो उस पीरियड के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा हो रहा था कि अब ये था कि अभी एग्जाम मतलब रिजल्ट आने वाला है, फिर वो डिले हो गया, फिर से डिले, तो उस फेज के बारे में आप क्या बोलेंगे? जी एक्चुअली मैम क्या हुआ था कि हमारे रिजल्ट पे कोर्ट केस लग गया था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि डेट्स पे डेट्स मिल रही थी, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को कोर्ट कैसेटी का बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं क्या वहाँ प्रोसेस होता है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि अंदर कोर्ट में क्या चल रहा है, और बस अगली पे डेट में मिल रही है, कभी 15 मिल फेब मिल गई, फिर 24 मार्च मिल गई, फिर 8 अप्रैल मिल गई, इस टाइप से चीज़ें चल रही थी। तो वो एक होता है ना कि उसमें आप पेशेंस की कोई दिक्कत नहीं थी मेरे अंदर, मुझे था कि करना है तो यही करना चाहिए जब भी हो, लेकिन जब आपको कुछ पता नहीं होता है क्या होने वाला है, कोई सिर पैर ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं 1 साल या 2 साल 6 महीने कब कितना डिले होगा, तो हाँ उसमें थोड़ी एंग्जाइटी हो रही थी, लेकिन क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मैं ऑन कैमरा दिखाऊंगा वो सब चीज़ें तो वो लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, तो बहुत जब्त करके मैं रखता था खुद को, लेकिन हाँ होती थी एंग्जाइटी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पहले जो ऐसे एग्जाम में जो डिले होता है उसको लेकर कभी एंग्जाइटी नहीं हुई, कभी ना कभी तो होना ही है ये सोच के, तो बस। तो इस जर्नी में जो ये आपकी जर्नी रही है काफी लंबी रही है, तो कुछ फैमिली का एक होता है ना कि एक लिमिट होती है कि फैमिली वाले नहीं बोलते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद होता है कि घर वालों का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया और किस तरह का प्रेशर था? नहीं मैम बिल्कुल ये चीज, मतलब इवन मेरे भी जो दोस्त लोग हैं उसमें से 99% जो हैं सबके ऊपर फैमिली प्रेशर था, सबको डांट सुनना पड़ता है या बातें सुननी पड़ती हैं, ताना सुनना पड़ता है, इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ, मतलब मैं भले अभी मैं हो गया हूँ, मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मैं कह दूँ बहुत मेहनत की, बहुत पेशेंस रखा, लेकिन अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है 50% सिलेक्शन में तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है 50%, मतलब आपकी फैमिली जो है वो काफ़ी सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कभी उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला या फिर पढ़ रहे हो कि नहीं। एक बात मुझे याद है इंसिडेंट कि फ्रस्ट्रेट था मैं थोड़ा सा, सेकेंड अटैम्प्ट में भी फेल हो चुका था, तो ऐसे ही कोई मूवी देख रहा था मैं फ़ोन में, तो अचानक फ़ोन आ गया पापा का, तो उठाया रिसीव किया, फ्रस्ट्रेट थोड़ा गुस्से मतलब इरिटेटेड था थोड़ा सा, तो मैंने कह दिया कि क्या कर रहा है सर, तो फिल्म देख रहे हैं, मतलब ऐसे पापा को नहीं बोला जाता ना ये सब चीज़ कि आप किसी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो या ये सब नहीं बोला जाए, फिल्म देख रहे हो इस टाइप की चीज़ें, तो मैं फिल्म देख रहे हैं, तो वो कहते हैं ओ अच्छा अच्छा बाद में कर क्या मतलब डिस्टर्ब हो गया क्या मतलब, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, अच्छा ठीक है बिजी हो फिल्म देखने में, तो इस तरह का सपोर्ट था उनका, मतलब क्रिटिसिज्म तो कहीं भी नहीं, क्वेश्चंस कहीं भी नहीं, और जब भी उन्होंने जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी हमेशा मुझे प्रोवाइड किया, और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है क्योंकि जो मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है फैमिली का वो बहुत ही वीक है, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने किया है मेरे लिए, मुझे लगता है 50% मैंने थोड़ा कम बोल दिया, उनका 80% है, मेरा 20% कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन, तो इस मामले में मैं लकी रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं क्रिटिसिज्म ये सब। आपने बोला कि आपने काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी है, तो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के फेस पे कुछ बोलना चाहेंगे जी, मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम? जी 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 एक्चुअली मैम पहले मैं पटना में रहता था शुरू में, तो पटना में रहना थोड़ा सस्ता है क्योंकि वहाँ सस्ते रूम्स अवेलेबल हैं, मैं सस्ते मेस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे काम चल जाता, वहाँ पे रहने में कोई ज़्यादा गिल्ट नहीं आता था, घर से तो कोई लोग कुछ नहीं बोलते थे लोग, बट एक होता है ना सेल्फ में आना, तो उसमें चलता था ठीक ठाक, एक ट्यूशन भी पढ़ाता था मैं का तो हो जाता था, बट मुझे लगा कि प्रिपरेशन सही से जा नहीं रही है, तो मैंने दिल्ली आने का प्लान किया,
दिल्ली जाने का प्लान किया तो दिल्ली में रहने का खर्च वहाँ से 2-3 times ज़्यादा हो जाता है पटना से. तो फिर प्रेशर वहाँ पे पड़ा फाइनेंशियली कि ये वो तो कि तो रहना शायद सब्सिस्ट नहीं कर पाऊँ वहाँ पे, या फिर पता नहीं अभी जा रहा हूँ 2-3 महीने बाद ही कुछ इशू हो गया. तो उसमें भी घर वाले साथ हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई फादर एंड मदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बुआ जी ने ताना मारा, मौसी ने था मौसा, मेरे लिए जितने इंपॉर्टेंट मेरे माँ बाप हैं, मेरे मामा मामी, चाचा चाची, फुआ फूफा, मौसा मौसी, सबको ही हैं, सबको ही कंट्रीब्यूशन रहा है. तो और लोग हेल्प करने के लिए आ गए, स्पॉन्सर करने के लिए आ गए, कैसे कोई बात नहीं अगर दिक्कत होगा तो हम लोग हैं, इस टाइप की चीज़ें. तो वो सब माइंड में वो सब एक बैकअप बहुत अच्छा था. लेकिन बट होता है ना कि अगर एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है कि अब अगर कोई देने के लिए तैयार हो तो ऐसा नहीं ना बिल्कुल आप लेने के लिए तैयार रहो हमेशा. तो फिर मैंने ऐसा कुछ करना चाहिए, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया दिल्ली में एक कोचिंग में, पढ़ाया शुरू किया, 2-3 महीने पढ़ाया, कोचिंग ही बंद हो गया क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था और रिटेल ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो रही थी. तो ये लगभग कब की बात है? ये आज से लगभग 2019 की बात है. 2019 की. ओके. तो लगभग 3 साल. हाँ, 3 साल पहले. तो फिर क्या हुआ कि कोचिंग बंद हो गया, अब क्या करना है? तो उसी टाइम से मतलब कोचिंग के बच्चों को ही हेल्प करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था. उनका था कि सिलेबस उनका खत्म हो नहीं रहा है तो क्या कुछ हेल्प कीजिए सर. था तो मैंने प्रॉब्लम्स के लिए क्या कहा कि एक काम करते हैं, आपको हम मैं पढ़ा देता हूँ क्लास में हाफ, और हाफ मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म करने के लिए. तो उस वे में यूट्यूब स्टार्ट हो गया. ओ, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका चैनल है वो हाँ. आपने इनकम के लिए शुरू किया? नहीं 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 नहीं, नहीं इनकम के लिए नहीं किया, वो बस उनके लिए किया था कि मतलब वीडियो फॉर्म में तुमको मैं वीडियोस दे देता हूँ और अपना सिलेबस तुम कम्प्लीट कर लो. फिर वो कोचिंग बंद हो गया तो उस टाइम एग्जाम वगैरह हो गया था, करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ वीडियोज बनाने शुरू किए और उसी में थोड़ा ग्रोथ हो गया ज़्यादा. तो होता है ना, कहता है ना कि भगवान भी अगर देखते हैं कि हाँ मतलब अगर किसी में डेडिकेशन है, पेशेंस है, थोड़ा सपोर्ट कर दे. भगवान ने सपोर्ट कर दिया. वायरल क्यों हो गया वो सब वीडियो पता भी नहीं मुझे, आज तक आइडिया नहीं है उसका. तो यूट्यूब एक मेरा बैकअप हो गया. तो उसके बाद से जो लोग मुझे हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे उनको मैंने हाथ जोड़ा कि थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं आई कैन सब्सिस्ट ऑन माय ओन. तो फाइनेंशियली फिर मैं भी स्टेबल हो गया था. तो ये भी एक कारण था कि मैं पिछले 1-2 साल से डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं था क्योंकि फाइनेंशियली एटलीस्ट मैं खुद को सपोर्ट कर पा रहा था और घर में थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहा था जी. तो ये एक कारण था स्टेबल रहने का, एक बड़ा कारण था. तो आपकी जर्नी में कुछ लोग जैसे आपने मेंशन किया है, कई लोग हैं कि बहुत आपको सपोर्ट किया, आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक मतलब वर्ज तक भी नहीं आए. बहुत लोग होता है कि इतने टाइम में डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझते हैं. तो कुछ लोगों को मेंशन करना चाहेंगे आप जो आपकी इस जर्नी में बहुत इमेंस सपोर्ट रहा है आपका? जी, जिनका भी मैंने नाम लिया वो सब उनका सब बहुत ज़्यादा सबका सबका रहा है बहुत ज़्यादा सपोर्ट. हाँ, पर्टिकुलरली कुछ लोग हैं जिनसे जब थोड़ा सा लो फील होता था बात करता था तो बकअप करते थे. मैं किनका नाम लूँगा, सबका सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा. और आपके फ्रेंड्स? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. फ्रेंड्स मेरे नहीं है, ये एक कंसर्न रहा क्योंकि मैं अपने फैमिली के इतना ज़्यादा क्लोज रहा, प्लस मैंने प्रिपरेशन भी कम्प्लीटली अकेले ही की है. बहुत लोग कहते हैं, पूछते रहते हैं कि भैया ग्रुप नहीं है पढ़ने के लिए, इस टाइप की चीज़ें. तो मतलब आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रुप है तो अच्छी बात है, आपका पढ़ाई थोड़ी बेहतर हो जाती है, कॉम्पिटेटिव पढ़ाई आप करते हो, इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है. बट ऐसा नहीं, ग्रुप नहीं है तो हो नहीं सकता है. तो हाँ, फ्रेंड्स की कमी बहुत रही. आज अभी रिजल्ट आने के बाद मुझसे पूछते हैं कि लोग घर वाले के, और तुम्हारे ग्रुप में किसका किसका हुआ, तो ग्रुप ही नहीं है मेरा कोई. तो क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से और अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की वजह से, प्लस जो IIT का सपना टूट गया था उसके वजह से, फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से, इन तीनों कारण से फ्रेंड्स से काफ़ी दूरी बन गई. हालांकि कम ही है, 5-6 फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. तो फ्रेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं है लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं. ठीक है, अभी आपने इससे पहले बोला था आप वीडियो वायरल के बारे में जी. तो आपकी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जो कि आप भी देख सकते हैं. और आपको कैसा रिएक्शन रहा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आपको पता था कि मतलब ऐसा कुछ कंटेंट वायरल होने वाला है, या मतलब कुछ ऐसा माइंड में था कि नहीं ये मेमोरी है, मतलब मैं ये मेमोरी अपने अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहूंगा जी. हाँ, ये वो चीज है. और दूसरा कि जो सोशल मीडिया है, जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई तो क्या चेंजेस आए, मतलब उस दिन से पहले से और उस दिन के बाद से, मतलब आपका लाइफ का जो डिफरेंस अगर बोले तो, मतलब आपको कैसा लगा
कुछ होता है ना कि लोग जैसे जब कुछ वायरल हो जाता है या फिर आप कुछ बन जाते हैं तब लोग पूछने लगते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कर रहे हो क्या नहीं लोग नहीं पूछते हैं। तो आपकी लाइफ में वो स्पेशल जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद कितना चेंज आया? जी पहले तो मैम वो वीडियो की बात अगर मैं करूँ तो क्योंकि YouTube पे ये ट्रेंड था कि रिजल्ट आता था तो लोग वीडियो बनाते थे, ये मैंने देख रखा था, तो एक उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते थे, तो मैंने सोच रखा था कि आएगा तो एक वीडियो बनाऊंगा, इस थॉट से मैंने किया था। और दूसरा ये भी था कि एक मेमोरी है ना, मतलब आज तक एक पैर पे खड़े होने का ही मेमोरी है, कहने को तो 2 साल में खड़े हो गए थे लेकिन एक्चुअल में तो अब जाके खड़े हो रहे हैं, तो उस वजह से एक वीडियो मुझे बनाने का मन था। मैंने मतलब फ़ोन सेट कर दिया था टेबल पर और मैं यहाँ बैठ के रिजल्ट देख रहा था, और ऐसा कुछ खास वैसा नहीं था कि वायरल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, और बस कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कितना वायरल होने वाला है, कितने व्यूज़ आएंगे। सोचा था कि 50-60 हज़ार 1 लाख व्यूज़ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया, मतलब शायद दुनिया भर के लोगों ने देखा है, मतलब कमेंट्स जो मुझे मिले हैं। तो चेंजेस की अगर बात करें तो हाँ, सबसे पहले तो अपने घर में ही, मतलब मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि मैंने कुछ बोला है कि कुछ सारे रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा है, लेकिन कुछ लोग हेट कमेंट्स वाले, हाँ जो कुछ लोग होते हैं ना वो टांग खींचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा डीमोटिवेट करते हैं, तो वो वाले लोग। तो पहले तो कुछ ऐसे लोग होते हैं रिलेशन में जो कि हैं रिलेशन में, क्लोज भी हैं, लेकिन आज तक उनसे मेरी बात नहीं हुई, ना ही फिजिकली कभी लोग मिले इस टाइप से, या फिर फोन पे कभी नहीं। तो ये कि बहुत सारे लोग जो पूछते नहीं थे उनके कॉल्स आने शुरू हो गए, उनसे बात होनी शुरू हो गई, और YouTube पे भी काफ़ी चेंजेस हुए, और मैंने कुछ कमेंट कुछ लोगों को मार, कुछ लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली आप पे लगे रहते हैं बिल्कुल, मतलब तो वो सब आप मतलब सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में चला जाता है, हालांकि मतलब 95% लोग आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, 5% लोग होते हैं, बट आप उन्हीं 5% के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो कई बार। तो मैंने थोड़ा मुझे याद थे वो चेहरे, और मैंने देखा कि उन्हीं उनके कमेंट्स आए कि सॉरी यार, हैड्स ऑफ टू यू, ये वो कि पेशेंस बन, तो पेशेंस को ये है ये वो है, लेकिन मतलब तो वो अल्टीमेटली वो जो एक तरह से सब मतलब हेट करते थे या फिर क्रिटिसाइज करते थे, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया। तो है ना, जब अच्छा सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा ही सब कुछ होने लगता है, और जब बुरा वक्त था तो सब कुछ बुरा था उस टाइम, ना इनकम था, ना ही यूट्यूब पे सही जा रहा था, ना ही रिजल्ट आ रहा था, क्रिटिसिज्म भी मिल रहा, सब कुछ था, बस रिजल्ट से एक दिन पहले और रिजल्ट के एक दिन बाद फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने अभी बात की हेट कमेंट्स की, तो मैं इस पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम कितना भी बोल दें कि हेट कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन का एक पॉइंट ऐसा होता है कि हमें एक हेट कमेंट से मतलब ऐसे होता है कि वो हम 2 दिन 4 दिन या महीनों भी उससे परेशान हो सकते हैं। तो आप अपने जो जो भी आपका चैनल है या जो भी पर्सनली आपको कमेंट्स आए होंगे हेट कमेंट्स, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? मतलब क्या कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर हावी हो जाती है वो कमेंट्स, या फिर आप मतलब आपका टैकल करने का तरीका क्या है नेगेटिव कमेंट्स को? जी सबसे पहले जो व्यूअर्स देख रहे हैं, पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी को हेट कमेंट करते हैं किसी भी क्रिएटर को या इन्फ्लुएंसर को, तो अगर वो ये कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये साफ सफ़ेद झूठ है। हर एक क्रिएटर को बहुत फ़र्क पड़ता है, हालांकि कैमरा आके बोल देंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो, इस टाइप की चीज़ें, लेकिन आप गौर करते होंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो वीडियोस बनाते हैं हेटर्स पे ही वीडियोस बनाते हैं, उनके हैं 95% सपोर्टर्स, बट वो वीडियो बनाएंगे हेटर्स के को जवाब देते हुए, तो सबको फ़र्क पड़ता है, मतलब नो वन एक्सेप्शन टू इट। और वही है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, दिल में ही रखते हैं, उससे इन्फ्लेक्टेड हो जाते हैं। मेरा मैकेनिज्म ये था कि मैंने कभी किसी हेट कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि टाइम का भी इशू, और वो था कि मुझे उस लेवल पे नहीं उतरना है कोई कुछ भी बोल रहा है। एक्चुअली क्या ना, इंस्पिरेशन हमें आती है फैमिली कंडीशंस को देख के, कि मुझे फैमिली की कंडीशन इंप्रूव करनी है, पापा का कर्ज उतारना है, या इस टाइप की चीज़ें वो आपको इंस्पायर करती हैं। और ये जो हेट कमेंट्स हैं ना, ये आपके अंदर वो आग जला के दिया करके दिखाना है, अब तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेट कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको हमेशा ड्राइव करते रहती है, तो मोनोटोनस हो जाता है ना, कि कुछ खट्टा कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो वो हेट कमेंट्स वो एक्चुअली खट्टे फ्लेवर हैं, तो उनका रहना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच टू द हेटर्स आल्सो। तो विशाल, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने तपस्या की तो आपके साथ आपकी फैमिली ने भी तपस्या की, तो वो मोमेंट मतलब अगर आप शेयर करना चाहें तो। एक्चुअली मैंने तो कैप्चर भी कर दिया और शेयर भी कर दिया कि एक्चुअली उनका रिएक्शन क्या था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को, मतलब उनके लिए भी सब कुछ बदल गया है बिल्कुल।
और भले ही सपोर्ट करते थे वो हमेशा, बट एक बैक ऑफ द माइंड रहता है हमेशा कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं, सस्पिशन। अभी मैंने, मेरी मम्मी ने मुझे हाल ही में बताया कि जब तुम्हारा नहीं होता था ना एग्ज़ाम तो रोते थे घर में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसका, बहुत नॉर्मली बिहेव करते थे। पापा भी एक बार फेल किया था तो फ़ोन किया तो बोलते बोलते मैं रोने लगा कि पापा सो नहीं हो पाया, सीजल 18 वाला था वो, नहीं हो पाया। तो फिर लगा कि अच्छा ठीक है, नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इतना लक्की थोड़ी हैं कि लक के बेसिस पे हो जाएगा, चलो और मेहनत करो। तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन हाँ सब कुछ मतलब मतलब उन लोगों के लिए तो बहुत दुनिया बहुत बड़ी नहीं है ना, उन लोगों के लिए तो घर के जो आसपास रिलेटिव वही सब हैं, तो उनके लिए दुनिया बदलने के लिए वही लोग का बिहेवियर चेंज हो गया है तो उनके लिए उसी में दुनिया बदल गई है। तो सब बहुत खुश हैं, मतलब उन्होंने मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी, और किसी को भी नहीं लगा था ये पोस्ट मिले, कोई नौकरी मिल जाए वो श्योर था कोई नौकरी तो मिल जाएगी, बट ये पोस्ट मिल जाएगी वो मतलब अभी तक मुझे बिलीव, अभी तक मैं रोया नहीं हूँ, मतलब अभी तक मुझे बिलीव नहीं हुआ, जब तो मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाएगा ना मुझे बिलीव नहीं हो। ठीक है, कमिंग टू द एसएससी सीजीएल एग्जाम, तो आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि आप ऐसे नहीं ऐसे प्रिपेयर करो, या फिर कुछ अलग अगर आप टिप्स देना चाहें तो? जी देखिए, आज से 5 साल पहले सिनेरियो बहुत अलग था, लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे कि वो घर पर रह के या गांव में देहात में रह के प्रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन आज सब कुछ चेंज है। आजकल यूट्यूब पे इतना क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में बिल्कुल हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर गाइडेंस की बात करें कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है उस मामले में, टॉपर्स आपको गाइड करने के लिए हैं, एजुकेटर्स गाइड करने के लिए, तो अब वो टाइम नहीं है जब आपको ये कहे कि मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, आपके इंटेंट पर डिपेंड करता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग हैं कंपटीशन में, सब कोई बहुत मेहनत करता है, ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप अगर 8 घंटे 10 घंटे कर रहे होंगे, 12-13 घंटा भी कर रहे होगा, आप 13 घंटे कर रहे होंगे, 15 घंटे करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन द थिंग दैट विल मेक डिफरेंट यू फ्रॉम अदर्स कि आप कितना ज़्यादा शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हैं, अल्टीमेटली पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। और एक होता है ना, बोर हो जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते, क्योंकि SSC CGL में एक इसकी खासियत क्या है कि सिलेबस बहुत टफ नहीं है जी, काफ़ी सिंपल सिलेबस, इजी सिलेबस है, लेकिन उस सेम चीज़ को ना बार बार पढ़ना है आपको। अब आप तो पेशेंस का जो लेवल है वो टूट जाता है बिल्कुल अगर आप, और इसमें एक चीज ये भी है कि कई लोग हैं जो प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे बहुत शॉर्ट रिजल्ट चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग तैयारी शुरू करना शुरू कर देते हैं, उनको ये लगता है कि बस तैयारी हो गई, पहले अटेम्प्ट में बस हो जाए जी। या फिर वो चाहते हैं कि भाई आज शुरू किया पढ़ना और 6 महीने में जॉब हो जाए, 6 महीने में जॉब हो जाए जी। तो आपने जो बोला कि पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, तो कैसे अपने आप को वो मोटिवेटेड और पेशेंस के साथ हम रख सकते जी, हैं? जी जी जी, पहले तो अगर आपको 6 महीने में जॉब चाहिए तो आई विल नॉट से कि आप CGL को फोकस करें, आप कोई और एग्जाम पहले क्लियर कर लें, उसके बाद CGL पे आप आएँ जब आपके पास अश्योरेंस है एक जॉब की। और मोटिवेशन की बात करें कि उतने लंबे वक्त तक कैसे खुद को मोटिवेट रखें, तो सिंपल सी बात है कि UPSC BPSC में, UPSC और स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है वो है SSC CGL, उसके नीचे है बैंक, उससे नीचे है RBI, उससे नीचे है SBI, उससे नीचे है रेलवेज, आपको इससे अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी UPSC अगर कमीशन और स्टेट कमीशन को छोड़ दें तो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अपसाइड डाउन। तो जब ये फीलिंग अंदर आती है ना कि यार बस ये एग्ज़ाम निकल गया और मेरी लाइफ चेंज है, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करते रहेगी। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन कि आपको सब कुछ अगर चेंज करना है अपनी लाइफ में तो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल जल्दी आप चाहते हैं कि तुरंत आपको जॉब लग जाए तो आपके लिए बैंकिंग ज़्यादा बेटर है, SSC CGL को फिलहाल आप फोकस ना करें तो बेटर। अच्छा, आपकी आपका की टू सक्सेस क्या है, आपकी वो सक्सेस की की आपको क्या लगता है कि नहीं ये मेरी की रही थ्रू आउट द जर्नी? सिंपल सी बात है मैम, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, टू वेरी ऑनेस्ट, और मैंने बोला भी है कि भले ही ये जॉब मैंने ज्वाइन मैं करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन अल्टीमेटली ये घर वालों के लिए, मुझे कुछ और करना है लाइफ में जो कि मैंने बाद में फिगर आउट किया, लेकिन पढ़ने मुझे बिल्कुल नहीं लग मन नहीं लगता है, और ना ही मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ, होता तो फर्स्ट निकल जाता फर्स्ट में, और हार्ड वर्क भी करता हूँ मैं, किया मैंने काफ़ी किया है, लेकिन बहुत लोग उतना करते हैं,
कोई उसमें नो वनी एक्सेप्शन टू इट। तो एक की टू सक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो वही है कि थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ता है। कहते हैं ना कि किसी को भी क्रिटिसाइज करते बहुत ज़िद्दी है ये लड़का, मतलब वो अच्छा नहीं माना जाता है सोशल बिहेवियर के लिए, बट उसकी ज़रूरत होती है थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा ईगो पे लेना होता है चीज़ों को कि नहीं अब तो करना ही है, छोड़ना नहीं है। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, और कॉन्फिडेंस टूटेगा, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है। ये मतलब कि फेल होना काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन फेल होके वापस फिर आई हैव टू गो एंड ट्राई वंस मोर, वो वाला एटीट्यूड है ना, वो रखना होगा, और बस यही। तो विशाल, एक आम सी धारणा बनी हुई है, कई लोग जिससे भी पूछते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने 12 से 18 घंटे पढ़ाई की है, तो क्या 12 से 18 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर एक स्मार्ट स्टडी आप करें, तो इसके लिए क्या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है पढ़ाई को लेके? देखिए मैं SSC CGL की बात अगर करूँ, जैसे मैंने बताया कि सिलेबस इसका काफ़ी छोटा है, और बिल्कुल भी 12-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इम्प्रैक्टिकल है पढ़ना, आप मैक्सिमम 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो UPSC वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सेंसिबल है कि वो 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन सिलेबस छोटा होने के कारण काफ़ी जल्दी इसको आप कवर कर सकते हैं, काफ़ी कम पढ़ के भी, मतलब 6 महीने तक डेली अगर आप 3-4 घंटे निकाल पा रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं फुल टाइम, वो भी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो आवर्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल भी नहीं। दो चीज़ें हैं, एक तो आप में थोड़ा रिटेंशन पावर होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में रिटेन कितने देर में हो रहा है, कितने बार उसको रिवाइज करके हो रहा है, तो अगर वो आपका ज़्यादा है तो आपको कम पढ़ने की ज़रूरत है, अगर वो कम है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, फिर भी 10-12-18 घंटे की बात बिल्कुल नहीं। और स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो बस वही है कि आपको रिवीजन करने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, क्योंकि दो चीज़ें हैं कि एक तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से इंस्पायर्ड आते हैं, तो आप अगर बार बार चीज़ों को रिवाइज नहीं करने की एबिलिटी नहीं है आप में तो दिक्कत होगी, एक चीज़। और दूसरी कि रिवाइज अगर आप करते हो तो रिवीजन करने में आपको एक बोरियत महसूस होती है, और वो एक चीज़ है ना जो कि आपको डिफ्रेंशिएट कर सकती है, मैक्सिमम लोग बोर हो जाते हैं एक पॉइंट पे आने के बाद, लेकिन मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक पे अच्छे से पकड़ नहीं अभी बनी है और आप उसको 3-4 बार पढ़ भी चुके हो और अब आप बोर होकर उसको छोड़ रहे हो, तो अगर आपने छोड़ दिया तो आप बाहर हो गए, अगर आपने और 2-3 बार कंटिन्यू कर दिया टिल द टाइम कि आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ आपने पूरी बना ली, वो चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट कर देगी। तो दो चीज़ है अल्टीमेटली, दो वर्ड में अगर मैं ख़त्म करूँ तो, कि पेशेंस आपको रखना है, थोड़ा वक्त लगता है इसमें, और दूसरा कि रिवीजन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बोरिंग जो नेचर, बोर होने का जो नेचर हम लोगों का होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली यही दो स्ट्रेटजी है, यही जो पॉइंट है, मतलब मेन पिलर्स हैं स्ट्रेटजी के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपकी जर्नी देखें तो जैसे आपने बोला कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो आपको क्या लगता है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब क्या सोशल मीडिया स्टडी में हेल्प करता है या फिर डिस्ट्रैक्ट करता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा या लड़की नहीं होगी जो इसके लिए प्रिपेयर करते कर रहे हैं और जो कि सोशल मीडिया का हेल्प नहीं लेते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि रूरल एरिया से भी लोग अगर आ रहे हैं इसमें तो इसी के थ्रू आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लिमिट भी करना होता है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, यूट्यूब में बहुत की हेल्प लेता था, लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन में था मैंने इंस्टाग्राम भी ऑफ कर रखा था, फेसबुक भी मैंने ऑफ कर रखा था, और व्हाट्सएप में भी मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा था, मेरा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि उसमें बार बार मैसेज पॉपअप होते रहते थे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि ठीक है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है, तो एक बैलेंस में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल फ़ोन सबके पास है, सबके पास 4G डेटा है अनलिमिटेड, तो उस 4G डेटा को आप किसी टॉपिक को पढ़ने में देते हो, खर्च करते हो, या रील्स देखने में खर्च करते हो, तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल। तो बाउंड्री लाइन आपको डिसाइड करनी है कि कितना देर आपको सोशल मीडिया पर फन करना है, लर्न करना है, या फिर खुद से आपको कितना देर पढ़ना है, उसमें आपको डिमार्केट करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना। अछूते आप रह नहीं सकते हो कि ट्रेंड जो चल रहा है आप कम्प्लीटली उससे अलग होकर रहना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन लिमिट कर सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए मतलब एक होता है ना कि जैसे एकदम डेडिकेटेड होके पढ़ना, या अपने आप को एक मोटिवेटेड और फोकस्ड रखना अपने गोल से, गोल के टुवर्ड्स, तो उसके लिए कुछ अगर टिप्स। कम्प्लीटली फोकस्ड के लिए एग्जांपल एक छोटा देता हूँ मैम, कि आप मान लो कि एक फिल्म थी लाइफ ऑफ पाई करके, उसमें एक लड़का होता है वो अपने नाव पे रह जाता है वो समंदर के बीच में, तो अगर उसको एक बोट दिखती है उसको शिप जाती हुई,
तो अगर आपको वो शिप दिख रही है तो अल्टीमेटली वो एक लास्ट ऑप्शन है आपको अपना लाइफ सेव करने का। तो वहाँ पे आपको चाहे आपका फेवरेट डिशेस बगल में रखे हुए हों या फेवरेट लोग रखे हुए हों या किसी कोई महिला है या कोई पुरुष उसका बहुत पसंद करते हैं वो आपके आसपास, आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको वही अल्टीमेटली दिखता है, वहीं तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो फोकस वही है कि जब आप खुद को कोई ऑप्शन नहीं देते हो, जब आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को पाने का, तो फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं जॉब से। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो शायद आप इतना फोकस नहीं रह पाओगे इस एग्जाम पे भी, पक्की बात है। लेकिन अगर इसके पर्क्स के बारे में आप जानोगे, लाइफ में क्या चेंज हो जाता है होता है, वो आपकी डिमांड है। आप सोशल स्टेचर अपना चेंज करना चाहते हो अपना और अपनी फैमिली का, आपके अंदर एक अग्रेशन है, गुस्सा है कुछ चीज़ को लेके, तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस रहेगा, तो यू कैंट हेल्प इट। बाकी लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, तो करिए, बट कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं होता है इससे। इन द लास्ट, आप लाइव हिंदुस्तान के व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? फाइनली मैं पहले तो ये कह दूं कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे किसी मीडिया हाउस में इंटरव्यू कर रहा हूँ किसी के साथ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, तो ज़्यादा कुछ क्या कहना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम मुझे नहीं पता। लेकिन अपने एस्पायरेंट से ही कहूँगा, कोई एस्पायरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए ही कहना चाहूँगा मैं कि आज के टाइम में कोई कॉम्पिटिशन अगर आप क्लियर करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप फ़िलहाल उस कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप में वो जो बात होनी चाहिए वो नहीं है फ़िलहाल आप में, तो आपको ना प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस को कट डाउन कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये नहीं हुआ कोई बात नहीं वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। आज के टाइम में जितना कॉम्पिटिशन है, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है कोई किसी एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ, कुछ भी हो। मैंने ये नहीं कहता कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ही हैं, बहुत जो जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपको रील्स ही बनाना क्यों नहीं पसंद हो, लेकिन आप पूरा डेडिकेशन अगर आप दिखाएंगे किसी भी फील्ड में तो सक्सेस आनी ही है, चाहे सुना रहा है चाहे लेटर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फाइनली मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा कि किस्मत आपका साथ दे, वो भी ज़रूरी है कि किस्मत से थोड़ा सा हमें जल्दी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन हाँ किस्मत अगर नहीं भी साथ दे फिर देर सवेर तो मिल ही जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह, इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, इन्होंने अपना पूरा पीरियड शेयर किया कि क्या क्या उनकी लाइफ में उनकी जर्नी में हर्डल्स आए, किस किस चीज़ों ने उनको मोटिवेटेड रखा, क्या क्या ज़रूरत है जब आप SSC CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आई होप जो लोग SSC CGL 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी।